CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त कविता और आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की इतिहास पुस्तक के दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। आज हम बात करेंगे मध्यकाल युग के उन प्रमुख राजवंशों की जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विकसित हुए। 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। इन्हें सामंत कहा जाता था। ये सामंत राजा के लिए उपहार लाया करते थे, उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे और उन्हें सैन्य सहायता मतलब मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे। मध्यकाल युग में कई सामंतों ने सत्ता के लालच में अपने स्वामी मतलब अपने राजाओं से स्वतंत्रता ग्रहण कर ली। उन्हें ये लगने लगा था कि वे अगर स्वतंत्र रहकर राज्य करेंगे तो उनकी सत्ता और संपदा बनी रहेगी और वह अधिक स्थानों को अपने आधिपत्य में ले पाएंगे। इस तरह का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है दक्कन के राष्ट्रकूटों का। पहले वे चालुक्य राजाओं के सामंत हुआ करते थे, परंतु 8वीं सदी में दंती दुर्ग जो कि एक राष्ट्रकूट प्रधान थे, उन्होंने अपने चालुक्य स्वामी की आधीनता से इनकार कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कर स्वयं को क्षत्रिय बनाया। यह माना जाता था कि इस अनुष्ठान के बाद चाहे आप किसी भी जाति से हों, आप क्षत्रिय ही कहलाएंगे। इसी प्रकार कई लोगों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, उदाहरण के तौर पर कदम मयूर शर्मन और हरिचंद्र। ये दोनों ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मणों का काम शास्त्रों को पढ़ना होता था, परंतु इन दोनों ने अपने राज्य स्थापित किए। उन्होंने ब्राह्मणों के परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्रों को अपनाया। मध्यकाल के कई राजाओं ने कई उपाधियां धारण की, जैसे महाराजा अधिराज या त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब तीनों भुवनों के स्वामी। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही राजाओं और उनके राज्यों जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहानों के बारे में चर्चा करेंगे। अपनी किताब की पृष्ठ संख्या 16 देखिए। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है जिसमें इन सभी राज्यों को दर्शाया गया है। गुर्जर प्रतिहार आज के राजस्थान, राष्ट्रकूट कर्नाटक, पाल बंगाल, चोल तमिलनाडु तथा चौहान जिन्हें हम चाहमान भी कहते हैं मध्य भारत पर राज्य करते थे। परंतु हमें यह भी ध्यान में रखना है कि यह राज्य आज की राजनीतिक सीमा के आधार पर नहीं बटे थे। इन सभी राज्यों में किसानों, पशुपालकों, कारीगरों इन सभी से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इन्हें अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा राज्य को सौंपना होता था, जैसे आजकल हम अलग अलग तरह के टैक्सेस भरते हैं। और ये सारे संसाधन राजा को मंदिरों और दुर्गों का निर्माण या राज्य का विस्तार करने के लिए दिए जाते थे। इन करों को वसूलने के लिए अफसरों की नियुक्ति की जाती थी जो हेरिडिट्री मतलब वंशानुगत होती थी। एक ही परिवार के लोगों को यह कार्य मिलता था। कई बार ये लोग राजा के निकट संबंधी होते थे। क्या आप जानते हैं चीन में मध्यकाल युग में एक साम्राज्य था जहां अफसरों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से की जाती थी।
और यह व्यवस्था लगभग 1911 तक कायम रही। आप सोच सकते हैं कि वे लोग इस तरीके से काम कर रहे थे जैसे आज के समय में नौकरी के लिए परीक्षा देनी होती है। भारतीय राजा इस समय बड़ी बड़ी उपाधियां लेने के अलावा अपनी प्रशस्तियां भी लिखवाते थे, जो कभी कभी असत्य भी होती थी। प्रशस्तियों में राजाओं के गुणों की व्याख्या की जाती थी, जैसे ये राजा इतने शूरवीर हैं, विजयी हैं इत्यादि। ये प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी। राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मतलब भूमि से पुरस्कृत करते थे और इन अनुदानों को तांबे कॉपर की प्लेटों पर लिखा जाता था और भूमि पाने वाले को दिया जाता था। आप अपनी किताब के पृष्ठ संख्या 19 में एक ऐसे ही ताम्र पत्रों का गुच्छा देख सकते हैं। हमें प्रशस्तियों से हटकर एक बिल्कुल अलग सोर्स भी मिलता है, जो 12वीं शताब्दी में कल्हन नाम के एक रचनाकार ने कश्मीर के पूर्व राजाओं के बारे में लिखा। इस काव्य में कल्हन ने शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक ढंग से लिखा, इसीलिए इतिहासकार इस काव्य को प्रशस्तियों से बिल्कुल भिन्न मानते हैं, क्योंकि प्रशस्तियों में जो राजा थे उनके गुणों की व्याख्या की जाती थी, लेकिन जो कल्हन ने ये काव्य लिखा था इसमें उन्होंने आलोचनात्मक ढंग से राजाओं शासकों के बारे में बताया था। क्या आप जानते हैं राजा लोग युद्ध क्यों करते थे? अवश्य ही आप जानते होंगे कि सभी राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में नियंत्रण करने हेतु युद्ध करते थे। मध्यकालीन भारत का एक ऐसा ही लंबा युद्ध कन्नौज नगर को पाने के लिए 3 राज्यों के बीच चला। यह राज्य थे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। कन्नौज आज उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज गंगा के किनारे किनारे चलने वाले व्यापारिक मार्गों से जुड़ा था और इस तरह वह सिल्क मार्ग से भी जुड़ा हुआ था। इसी वजह से कन्नौज आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। क्योंकि यह लड़ाई 3 पक्षों के बीच थी, इसलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा। क्या आप जानते हैं भारत के सबसे पहले मुस्लिम शासक कौन थे? जी हाँ, भारत के सबसे पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, परंतु उनसे पहले 2 बहुत शक्तिशाली मुस्लिम शासकों ने भारत पर हमला किया। तो बच्चों, 11वीं सदी में सुल्तान महमूद, जो कि गजनी अफगानिस्तान से थे, लगभग 17 बार भारत पर हमला किया। उन्होंने अपने हमलों में मंदिरों को निशाना बनाया और खूब लूटपाट की। अपना 16वां हमला उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर किया, जो गुजरात में है। इस हमले से उन्होंने सबसे ज़्यादा धन इकट्ठा किया और अपने शहर गजनी का निर्माण व विस्तार किया। महमूद गजनी ने कभी भारत पर शासन नहीं किया। मध्यकालीन भारत के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किताब अल हिंद को एक अच्छा सोर्स मानते हैं। यह किताब अल बिरूनी ने लिखी थी, जिन्हें सुल्तान महमूद गजनी ने यह काम सौंपा था। अब हम बात करेंगे दूसरे मुस्लिम शासक की, जिन्होंने भारत पर हमला किया था और इन्होंने भी भारत को रूल नहीं किया था, भारत पर शासन नहीं किया था, परंतु इन्होंने भारत पर हमला कर एक हिंदू राजा को हराया था। तो दूसरे मुस्लिम शासक जिन्होंने भारत पर हमला किया वह थे सुल्तान मोहम्मद गौरी, जो गौर अफगानिस्तान से थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान से 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, परंतु दूसरे युद्ध में वह स्वयं हार गए और यहीं से भारत में मुस्लिम शासकों का राज स्थापित हुआ। तराइन आज के हरियाणा में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191
और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। चलिए अब दक्षिण के एक प्रमुख राज्य की कहानी सुनते हैं। मध्यकाल में यहाँ एक बहुत प्रमुख वंश सत्ता में था, जिसका नाम चोल राज्य पड़ा। चोल से पहले इस कावेरी डेल्टा में मुतरियार परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत हुआ करते थे। विजयालय, जो चोल वंश के मुखिया थे, 9वीं सदी में उन्होंने मुटरियारों को हरा दिया और इस कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया। विजयालय ने थंजावुर और निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य का विस्तार किया और धीरे धीरे पांड्यन और पल्लव इलाके चोल राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम चोल वंश के एक बहुत शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने क्षेत्र विस्तार और प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का पुनर्गठन किया। राजेंद्र प्रथम, जो राजा राज के पुत्र थे, अपनी जलसेना के लिए जाने जाते थे और इस जलसेना की मदद से उन्होंने श्रीलंका तथा अन्य कई देशों पर हमला किया। बच्चों, हम यह भी जानेंगे कि कैसे चोल वंशीय राजाओं ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को बनाया। तो हम बात करते हैं चोल वंश की। जब चोल वंश थे तो कई मंदिरों का निर्माण हुआ। चोल वंश के समय बने दो प्रमुख मंदिरों में थंजावुर और गंगईकोंडा चोलपुरम के मंदिर प्रमुख माने जाते हैं। ये मंदिर अपनी मूर्ति कला के लिए विश्व विख्यात हैं। मध्यकाल युग में कई लोग मंदिरों में काम करते थे, जैसे पुरोहित, माला बनाने वाले, बावर्ची, मेहतर जो साफ सफाई करते थे, संगीतकार और नृतक, ये सभी मंदिरों में काम कर रहे थे। मंदिर उस समय सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं था, अपितु वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी था। मंदिरों के साथ कई शिल्प जुड़े हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण कांसे की मूर्तियां बनाने वाले कारागार हुआ करते थे। आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 24 में एक ऐसी ही कांसे की प्रतिमा को देख सकते हैं, जो चोल काल में बनाई गई थी। मैं आशा करती हूँ कि आप इस प्रतिमा में सावधानी से की गई सजावट को समझ सकते हैं। ज्यादातर मूर्तियाँ देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं आम लोगों की भी बनाई जाती थी। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पानी का एक बहुत बड़ा उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। अब आप अपनी किताब के पृष्ठ संख्या 22 में दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखें और कावेरी नदी को ढूंढें। जी हाँ, कावेरी नदी भारत के दक्षिण क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यह कर्नाटक के कोडगु से निकलती है तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के कई शहरों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिससे इसके किनारे की मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। इन शाखाओं का पानी खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षेत्र मध्यकाल युग से ही खेती के लिए प्रसिद्ध है। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जा रही थी। कई इलाकों में कुएं खुदाए गए, कुछ में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। इन सभी चीजों से हम समझ सकते हैं कि मध्यकाल युग में भी आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही थी। चोल राज्य में किसानों की बस्तियों को उर कहते थे। इस तरह के उर मतलब गांव, इन सभी गांवों के एक समूह को नाडू कहते थे। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करते थे और साथ ही
कर मतलब टैक्सेस भी वसूला करते थे। कई किसान काफी धनी हुआ करते थे और उनमें से कई धनी भूस्वामी चोल राजाओं से सम्मान के रूप में उपाधियां पाते थे। ये भूस्वामी नाडू के कामकाज में राजा को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। हमने यह जाना था कि ब्राह्मणों को राजा भूमि अनुदान देते थे, जिसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। इन ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा करती थी। इन सभा के निर्णय अभिलेखों में लिखे जाते थे। अभिलेखों की बात हमने पहले अध्याय में की थी। अभिलेखों को हम इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं। तमिलनाडु से मिले एक अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि ब्राह्मणों की इन सभा का गठन कैसे होता था। इन सभाओं में अलग अलग समितियां हुआ करती थी, जिन्हें अलग अलग चीजों की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता था। शहरों में नगरम नाम से जाने वाले व्यापारियों के संघ मतलब ग्रुप देखरेख का काम करते थे। यह सारी व्यवस्थाएं चोल वंश के प्रशासन को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका रखती थी। तो बच्चों, आज हमने मध्यकाल युग के प्रमुख राजाओं और उनके राज्यों के बारे में चर्चा की। हमने जाना कि ये राज्य अपना प्रशासन किस तरह से संयोजित करते थे और हमने चोल वंश को बड़ी नज़दीकी से पढ़ा। साथ ही हमने अन्य राज्यों जैसे गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों के बारे में भी जानने का प्रयास किया। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्ष कौन कौन से थे? जी, त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टिट स्ट्रगल तीन राज्यों के बीच चला और यह एक लंबा संघर्ष था। इस लड़ाई में तीन राज्य थे, पहला गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। हमारा दूसरा प्रश्न है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चोल राज्य की, और आपको यह बताना है कि खेती में सिंचाई के लिए किस तरीके की व्यवस्था की जा रही थी। हमने चर्चा की कि सिंचाई के लिए कई कुएं खुदाए गए थे, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े सरोवर बनाए गए तथा नहरों की मदद से भी सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल किया जा रहा था। अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी, मतलब मंदिरों में क्या क्या कार्य होते थे? तो हमने चर्चा की कि मंदिरों में पूजा आराधना के साथ साथ माला बनाने का काम, साफ सफाई का काम तथा संगीत व नृत्य भी होता था। अब मैं आपको इस पाठ के आधार पर एक गृह कार्य दूंगी, तो आप सभी इसे लिख लीजिए। तो आपको भारत का एक राजनीतिक मानचित्र लेना है और अलग अलग रंगों की मदद से इन सभी मध्यकालीन राज्यों को दर्शाना है। आप इस मानचित्र को करने के लिए अपनी पुस्तक की मदद ले सकते हैं। जो राज्य आपको दर्शाने हैं उनका नाम भी लिख लीजिए। पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा चोल, तीसरा राष्ट्रकूट, चौथा पाल और पांचवा चौहान। तो बच्चों, आज हमने मध्यकाल युग के प्रमुख राजाओं और उनके राज्यों के बारे में चर्चा की। हमने जाना कि इन राज्यों का प्रशासन किस तरीके से होता था। हमने चोल वंश को बहुत नज़दीकी से पढ़ा और साथ ही अन्य राज्यों के बारे में भी चर्चा की। मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा और इस सत्र से आपको मध्यकाल के इतिहास को समझने में मदद मिली होगी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? राष्ट्रकूट कर्नाटक से थे और इस प्रश्न में हम ये बताएंगे कि राष्ट्रकूट कैसे सामंतों से राजा बने।
हमने इस अध्याय में चर्चा की थी कि कई सामंत अपने राजाओं से, अपने स्वामियों से स्वतंत्रता ग्रहण कर रहे थे और वे अपना खुद का राज्य स्थापित कर रहे थे। और इसी तरह के एक उदाहरण में हमने दक्कन के राष्ट्रकूटों की बात की थी, जो कि पहले चालुक्य राजाओं के सामंत हुआ करते थे और 8वीं सदी में दंती दुर्ग, जो कि एक राष्ट्रकूट प्रधान थे, उन्होंने अपने चालुक्य स्वामी को आधीनता देने से इनकार कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और हमें यह भी बताना है कि दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके स्वयं को क्षत्रिय बनाया और इसी तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप मध्यकाल युग के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिनके बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा? जी हाँ, बिल्कुल हम पहचान कर सकते हैं। हमने किन किन राज्यों के बारे में पढ़ा पहले हम ये जानेंगे और फिर उन राज्यों का आज किस राज्य में वह राज्य पड़ते हैं हम यह बताएंगे। तो पहला हमने गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ा, हमने राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा, चोल के बारे में पढ़ा, पाल और चौहानों के बारे में पढ़ा। आज ये किस राज्य में हैं उनकी लोकेशन बताएंगे। तो गुर्जर प्रतिहार जो कि आज राजस्थान में है और राष्ट्रकूट जो कि कर्नाटक में है, पाल बंगाल के, चोल तमिलनाडु और जो चौहान है वह मध्य भारत मतलब सेंट्रल इंडिया से थे। तो हम इनकी लोकेशन इस तरीके से मानचित्र में तथा उत्तर में लिख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के मंदिरों की व्याख्या करें। चोल वंश में किस तरीके के मंदिर बनाए जा रहे थे, मंदिरों के क्या विशेषताएं थी, मंदिरों में क्या हो रहा था, और इसी तरीके से हमें एक उदाहरण भी देना है कि किस तरीके के मंदिर बनाए जा रहे थे, कौन कौन से प्रमुख मंदिर थे। तो आइए बात करते हैं इसके उत्तर की। प्रश्न हमारा है, चोल वंश के मंदिरों की व्याख्या कीजिए। जब हम बात करते हैं मंदिरों की तो हम बात करेंगे कि मंदिर किस तरीके के होते थे। प्रमुख तौर से चोल वंश में जो मंदिर बने उनकी छत पतली होती थी और जो बाहरी दीवारें होती थी उन्हें पत्थर की प्रतिमाओं से सजाया जाता था। आप अपनी पुस्तक के चित्र 3 में गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर को देख सकते हैं और उसकी विशेषताओं को इस उत्तर में लिख सकते हैं। जब आप इस चित्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मंदिर की दीवारों में कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं और मंदिर का जो छत है वो बिल्कुल पतली है। इसी तरीके के कई और भी मंदिर बने। थांजावुर एक प्रमुख मंदिर है जो कि चोल वंश के राजाओं ने बनवाया था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप चोल वंश की एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं। जो कुछ आप देख और सुन सकते हैं उसका वर्णन कीजिए। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि चोल वंश की सभा का चुनाव किस तरीके से होता था। तो जब हमने सभा और समितियों की बात की कि चोल वंश में जो मुख्य ब्राह्मण समाज होते थे उनकी समितियां होती थी, सभा होती थी, और सभाओं के अंदर कई समितियां होती थी जो अलग अलग कार्य करती थी। तो आपको ये इमेजिन करना है कि कैसे वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था और किस तरीके से क्या बातें हो रही थी। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या वहाँ पे डिस्कशन होता होगा, क्या बातें होती होगी, क्या चर्चाएं होती होगी, क्या परेशानियां होती होंगी राज्य के अंदर जिनको वो डिस्कस करते होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप चोल वंश की एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं। जो कुछ आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं उसका वर्णन कीजिए। यहाँ आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आप चोल वंश की एक सभा के चुनाव में, उसके इलेक्शन में बैठे हैं। हमने यह चर्चा की थी कि सभा और समितियाँ चोल वंश में बड़े बड़े ब्राह्मणों द्वारा होल्ड की जाती थी और यह ब्राह्मण
बहुत शक्तिशाली और इनके पास बहुत सारी भूमि हुआ करती थी। अब हमें यहाँ यह बताना है कि कैसे सभा के लोगों का चुनाव होता था। तो जिन भी ब्राह्मणों के पास ज़्यादा भूमि हुआ करती थी वे सभा और समितियों के कार्यकर्ता बनते थे, और जो भी राज्य में दिक्कतें या विस्तार राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने होते थे उन्हें वह यहाँ पे चर्चा करते थे और उनका दिक्कतों का कोई सलूशन निकालते थे। तो इस तरीके से सभा और समितियाँ चोल वंश में कार्य कर रहे थे। धन्यवाद साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।